मेरे साथ है एक ऐसी आवाज जिसे मैं ऑफ कोर्स एज अ ह्यूज टैलेंट इन आर इंडस्ट्री, उनके नाम से तो मैं जानती ही हूँ। और एक ऐसी आवाज है जिन पर मुझे पर्सनली बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज आई हैव समवेयर सीन दैट जर्नी कि कहाँ से ये निकली थी और आज ये छनकती हुई कहाँ तक पहुंची है। ये है लेडीज एंड जेंटलमैन पायल देव। हेलो पायल। रानी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आजकल हमारी, मेरी और पायल की जो दोस्ती जो बीच में ब्रेक पे लग गई थी, वो फिर से चल पड़ी है एक बार फिर मिलना जुलना, थैंक्स टू IPML, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, जहाँ ये अपनी यूपी दबंग टीम में है और मैं अपने कमेंट्री बॉक्स में हूँ, और रोज हमारा जो है वो टकराना होता रहता है। टेल मी अबाउट द शो यार, बिकॉज मेरे हिसाब से तो इट्स लाइक अ हिस्ट्री, ऐसा शो नहीं हुआ है। नहीं यू हुआ नो, वो लोग जो, वो टैलेंट्स, वो लेजेंड्स जो एज जज बैठते थे, लोगों को बताते थे क्या ठीक करना, आज वो खुद वोट मांग रहे, परफॉर्मेंस प्रेशर में है। सो व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली आई अग्री विथ यू। फर्स्ट टाइम इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ आए हैं एंड 12 प्रो सिंगर्स आर देयर एंड लोग एक कॉम्पिटिशन में है। वी जस्ट कांट बिलीव कि यार हम, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि कभी ऐसे कॉम्पिटिशन में जाऊंगी। ये जरूर सोचा था हाँ रियलिटी में शायद कोई अलग, कुछ अलग या परफॉर्मेंस या कुछ इसके लिए जाऊंगी, पर ये नहीं पता था कि एज अ कंटेस्टेंट हम लोग आने वाले हैं। देर टीम्स एज यू नो, क्योंकि आपसे ज्यादा बेटर कौन जान सकता, आप इतनी कमेंट्री करते हो, बहुत आप हर शूट में होते हो। तो 6 टीम है, सारे लेजेंडरी सिंगर्स, लाइक कैलाश जी है, कैलाश खेर, शान दादा है, जावेद अली है, साजिद भाई है, सब लोग, मतलब सब लोग लेजेंड्स ही है नॉर्मली। एंड पक्का है। उनके ऐसा कभी फील होता है कि यार क्या कंपटीशन, क्या इतने लेजेंडरी सिंगर्स कंपोजर्स, मतलब उनको देख के तो हमने सीखा है, तो वो हो जाता। बट ऑफ कोर्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के लिए मैं कहना चाहती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने सिंगर्स को आप एक साथ लेके आए हो। फर्स्ट टाइम है तो देखने को मिल रहा है हमारे ऑडियंस को, एंड यहाँ पे कोई जज है नहीं, एंड ऑडियंस को जज करना है, तो ये उनके लिए भी बहुत, आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी ना। उनके वोट से डिपेंड होगा कि हम में से कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, तो दे आर द लाइक, अभी वो किंग है वो लोग। तो बस यही है कि कॉम्पिटिशन है, अब तो उतर चुके हैं मैदान में, अब तो करना ही पड़ेगा। जी, उतर चुके हैं और ये यूपी दबंग से हैं, यूपी दबंग की ये कैप्टन हैं। अच्छा ये बताइए कि जब इस तरह का शो होता है, जब आपको पता है कि भैया मतलब एक से बढ़कर एक है, आप समझ रहे हो, तो टैलेंट भी लगेगा और स्ट्रैटेजीज भी लगेंगी, तो ऐसा होता है कि टीम मिलकर परफॉर्मेंस से पहले जब आपके लीग मैचेस होते हैं तो हाँ बैठकर हाँ प्लान करते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अभी असी अब सब में प्रो है, सब में सब लेजेंडरी लोग हैं, एंड प्रो सिंगर्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स हर कोई अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी प्लान तो कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट द ट्रॉफी। सबको परफॉर्म करना है, सबको अच्छा गाना है, एंड हर कोई ये सोचता है कि यार हमें जीतना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एंड वो हम लोग लीग मैचेस में दिखा रहे हैं, इवन इन द सुपर मैच में भी हम लोग दिखा रहे हैं कि इस बार हम लोग क्या परफॉर्म करें जिससे थोड़ा डिफरेंट लगे, जो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आए। तो बहुत सारी चीजें हम लोग फिगर आउट करते हैं, एक लीग मैच हो या फिर सुपर मैच से पहले, एंड सब लोग कर रहे हैं, यू नो, सो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो जैसे IPL में आप देखो, जो IPL भी होता है, तो उसमें भी सारी टीम्स एक स्ट्रैटेजी के साथ ही चलते हैं कि यार अभी कौन बैट्समैन आने वाला, अभी बॉलिंग कौन करेगा, ये सारी चीजें। तो वैसे हमारे में चलता है कि अरे यार इस बार कौन, ये परफॉर्मेंस कौन करना, परफॉर्मेंस, तो ऐसी चीजें हैं, तो जरूरी भी है करना। किस सिंगर को कौन सी सरगम का जो शब्द है वो देना चाहिए? जैसे अगर मैं कहूँ स, तो आपके हिसाब से स कौन है, ग कौन से है, रेमा कौन है, ठीक है? तो हाँ, तो वैसे एक एक छोटा सा एक गेम हो जाए आपसे, बस कुछ ही देर में आप सुनते रहे बिग FM। IBML इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की बातें चल रही है मेरी सिंगर कंपोजर पायल देव के साथ। तो पायल, इस शो में 6 टीम्स हैं और हर टीम में भर भर के लेजेंडरी सिंगर्स है, तो क्योंकि म्यूजिकल शो है तो क्यों ना, मैं सोच रही हूँ कि म्यूजिकल थोड़ा सा ऐसे उन्हें टच दिया जाए। सरगम, सरगम जो है उस सरगम के स र ग म आप किस किस आर्टिस्ट के साथ रिलेट करते हैं, जरा ये बताइए कौन है स? ओके शान, हमारे प्यारे शान दादा, एंड र,
रूपम मेरी टीम से, ओके, ग कैसे कोई है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। अल्फाबेटिकली नहीं भी जाए, सुर में जाए कि हाँ इनका ये सुर ये वाला लगता है, वैसे भी चलेगा। अच्छा आ जो अलाप लेते हैं ना हम लोग, आ तो आ से आकृति है हमारे कोल टाइगर्स में, एंड जावेद क्या है, हेमंत सबका मैं, हा हेमंत इज हा, जावेद इज जावेद भाई इज जा, जा नहीं जा तो नहीं होता, साफ और साजिद भाई, ओके और आ से अगेन असीस, अ से आई मीन अ हो जाता वो भी, और माँ से मिक्का, रे से रूपाली, हाँ है हाँ सासी सलमान भी है हमारी टीम में, हाँ। तो हमारे पास सारे है, और आ भी है हमारे में, अंकित अ जो आ जाता, एंड अंकित है पायल, हाँ पा मैं हूँ, माँ है मिक्का, हमारे पास सा पा सा पा भी है, और सारे पा है सारे और गा से तो सब गा ही रहे हैं, तो सरगम पूरी कंप्लीट हो गई, कोई पूरी सरगम पूरी हमारी पूरी टीम में कोई ना कोई है ही। Alright then. Bye Payal. Bye bye. See you. See you. Bye bye. Bye. 92.7 Big FM.